इंसान को किसी चीज को छोटा ना समझो, भाव समझो अगले का। जो तुम्हें प्यार से इज्जत से आदमी अगर दो शब्द भी बोल लेता है, उस एहसान को ना भूलो। हमारी देश की संस्कृति रही है कि किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करो, जबान से मीठा बोलो, सेवा जो कर सकते हो, तुम्हारी जितनी भी सामर्थ्य है जो तुम कर सकते हो वैसी सेवा करनी चाहिए। शरीर से करो, धन से करो, कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे बड़े मन है इंसान का। मन में अगर तुम ये भावना रखते हो, मैं किसी को दूंगा, परमात्मा हमें इस लायक बनाए कि हम किसी को दें, तुम देने वाले बनोगे। ये नीत कभी ना रखो कि मैं किसी से लूं। अगर तुम ये प्रवृत्ति बना लोगे तो हमेशा मंगते की तरह रहोगे, कभी पेट नहीं भरेगा, कभी पेट नहीं भरेगा। कृष्ण और सुदामा जब गुरु के दरबार में रहते थे, बोले कि जाओ बेटा लकड़ियां चुन लाओ। लकड़ियां तोड़ने के लिए गए, जंगल में ढूंढते रहे सूखी लकड़ियां, चलने लगे तो कृष्ण जी बचपन से ही बड़े प्यारे थे। कहानी कथा सुनते हो कि वो जब से पैदा हुए उसी टाइम से लोगों के दिलों पे राज करते थे। जिनका नुकसान करते थे वही गुजरिया उसको रखने में, बोलने में, उनको गोद में उठाने में बहुत खुश होती थी। बड़े हुए तो उनकी पूजा करने में, जब तक उनका दर्शन नहीं कर लेती थी तब तक उनको चैन नहीं पड़ता था। जब तक उनकी एक दो मटकी नहीं फोड़ लेते थे तब तक वो खुश नहीं होती थी। फोड़ते तो जाके शिकायत करती, लेकिन वो शिकायत नहीं होती थी। कहने का मतलब, जिससे आदमी प्यार करता है तो उससे अगर वो उसका नुकसान भी कर देता है तो भी उसको अनसुना, अनदेखा और अनसमझा बना देता है, परवाह नहीं करता उसकी। तो एक मुट्ठी चने दे दिए, बेटा भूख लगे दिए चबा लेना। लेके सुदामा को दे दिए, सुदामा लेके चला गया। उसने कृष्ण जी को बताया नहीं कि माता जी ने मुझे चने दिए। जंगल में ढूंढते रहे सूखी लकड़ियां नहीं मिली। दोपहर का टाइम हो गया, खाया पिया कुछ था नहीं, बरसात आ गई जोर से और दोनों पेड़ पर चढ़े हुए थे सूखी लकड़ियां तोड़ने के लिए। तो तेज बारिश आने के कारण वो वहीं पेड़ों की शाखाओं के नीचे छिप गई। तो पानी से भीगने के कारण सर्दी लगने लगी, तो जाड़ बजने लगी उनकी और भूख लगी हुई, बरसात में ज्यादा भूख लगती है। तो कृष्ण जी को पता तो था ही, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता सुदामा ने वो चने चबाने शुरू कर दिए, जाने इसको देगा तो तेरे कम पड़ जाएंगे, इसको ना दे सब तू ही खा ले। तो जब वो चने चबाने लगा तो कटक कटक की आवाज आई ना दांतों से, क्योंकि भुने हुए नहीं थे। तो कृष्ण बोला, अरे सुदामा ये कटकट की आवाज क्या आती है दांत बजने की? नहीं बोला, सर्दी लग रही है ना, जाड़ बज रही है मेरी। उसकी सारी उम्र जाड़ बजती रही, भूख नहीं मिटी। और कृष्ण जी हमेशा दाता ही राजा बने। तो नियत पर इंसान की बात होती है, अपनी नियत को ना गिराओ। अगर अपनी नियत को गिरा लोगे कभी नहीं उठ पाओगे। नियत को असली और सच्ची जो रखता है वो आत्मिक रूप से बड़ा बलवान होता है। आदमी के अंदर अहंकार नहीं, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट उस इंसान की हो सकती है जो किसी प्रकार की उसमें कमी नहीं होती। किसी से मांगना, किसी से धोखा करना, किसी से छल करना, किसी से बेईमानी करना, और बात जो सच्ची हो उसको भी सोच के बोलना चाहिए। कई बार सच जो है गले की फांस बन जाती है, और कई बार झूठ इंसान के लिए बड़े से बड़े पुण्य का काम कर जाती है। तो हर चीज को आदमी विचार करके पहले सोचे। बात छोटी सी लगती है कहने में कि पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन बोलने से पहले हम कभी नहीं तोलते, क्योंकि किसी चीज पर अंकुश नहीं है हमारा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।